Yeah, right. Welcome to Tutelage Academy, and today we are going to discuss some important questions on reasoning, and this is part 2 of the session. Okay. So, yes, starting with the very first question. Dekhiye. If a to the power x is equal to b, right? B to the power y is equal to c, and c to the power z is equal to a, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज, तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सिचुएशन में, वट वी विल डू, वी विल स्टार्ट टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स. ठीक है, वी विल टेक लॉग बोथ द साइड्स. देखिए, a to the power x is equal to b, then what we will do, we will take log, then we will have x log a is equal to log b, and then x will be log b by log a, right, log b by log a. Similarly, we will take logs in this equation and this equation as well. So, hume kya milega, x is equal to log a by log b, y is equal to log c by log b, y is equal to log c by log b, and z is equal to log a by log c. ठीक है, मिल जाएगा. एंड देन हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे x, y, z, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. यहाँ पर log a न्यूमरेटर में है, एंड देन लॉग ए आएगा न्यूमरेटर में यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा लॉग ए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा लॉग ए. तो उस तरीके से क्या होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डियर एंड पिकॉक्स इन अ जू. ठीक है, एक जू है, वहां पर डियर भी है और पिकॉक्स भी है. ठीक, बाय काउंटिंग हेड्स देयर आर 80. ठीक है, अगर टोटल का हेड्स काउंट करते हैं तो देन दे आर 80, एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200. ठीक है, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर. ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. तो हमें पता है कि डियर एंड पीकॉक दोनों के पास हेड्स तो एक ही होते हैं, तो इफ वी टेक द नंबर ऑफ डियर एज एक्स एंड पीकॉक एज वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80. हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ डियर और पीकॉक्स होंगे, हेड्स तो उतने ही होंगे. ठीक है, अब लेग्स 200 है. ठीक है, तो डियर के कितने लेग होते हैं, एक डियर के पास देयर आर फोर लेग्स फॉर अ डियर, राइट. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x. ठीक है, 4x प्लस एंड पीकॉक हैज हाउ मेनी लेग्स, पीकॉक हैज 2 legs. ठीक है, तो अगर पीकॉक का नंबर वाई है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स विल बी 2y. ठीक है, तो 4x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, राइट, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 200. तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है, एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 60. ठीक है, और आप इसमें कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, हम लोग वैल्यू को आ तो जाता है, बट वी आइडेंटिफाई इट इन द इन दिस ऑल्टरनेट वे. ठीक है, तो आप ध्यान रखिए x इज इक्वल टू 20 और x क्या है, डियर है. ठीक है, तो हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, तो पीकॉक कितना है, y, एंड y इज 60. हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, 60. ठीक है, राइट, क्लियर, नो कंफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी कैन टूगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days. ठीक है, ए बी और सी साथ में काम 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं. ए अलोन कैन डू इट इन 12 days, बी अलोन कैन डू इट इन 18 days. हाउ मच टाइम सी विल टेक टू कम्प्लीट द टास्क. ठीक है, देखिए, अगर हम ऐसा कहें कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, दैट मीन्स व्हाट, ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में एक काम का 12th हिस्सा करता है, एक दिन में एक काम का 12th हिस्सा करता है, तभी तो वो 12 दिन में इन टोटल सारा काम कर लेगा.
ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/12, बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/18, ठीक है, सी का एक दिन का काम हम लोग अज्यूम कर लेते हैं सी ही, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/C, ठीक है। और अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में काम हो रहा है 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/C, इतना काम हो रहा है और इतना काम एक दिन में हो रहा है। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन वन डे, ठीक है। तो और तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 ऑफ द वर्क दे विल कम्प्लीट इन वन डे। तो इस इक्वेशन से हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ए इन वन डे 1/12, बी इन वन डे 1/18, टुगेदर इन 4 डेज, तो 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/xc जो भी कंसिडर कीजिए इज इक्वल टू 1/4, राइट। और यहाँ को सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। मतलब सी जो है वो काम को अकेले, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9, ठीक, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, ठीक है, वी आर थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब इन द सेम मोमेंट, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी क्या है कि डबलेट मिले, डबलेट मतलब या तो 1-1 हो, या तो 2-2 हो, या तो 3-3 हो, या तो 4-4 हो, या इधर 5-5 एंड 6-6, ठीक है। सो ये तो ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर तो देयर आर 6 चांसेस विच आर फेवरेबल टू अस, ठीक है। फेवरेबल जो है हमारे पास वो चांस कितने हैं, 6 है, 6 चांसेस आर फेवरेबल। एंड टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, टोटल चांसेस आर देयर आर 2 स्पेस टू बी फिल्ड, ठीक है। तो पहला डाइस से कितने नंबर आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, 6 में से कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे भी 6 में से कुछ भी हो सकता है, तो 6 × 6 मतलब 36। तो टोटल हमारे पास जो जो स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस है वो 36 है, और फेवरेबल स्पेस कितना है, 6 है, ठीक है। इसे चलिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, ठीक है। तो 36 हमारा अगर हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जो जितने टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस है वो 36 हो जाएंगे, और हमारे पास जो फेवरेबल ऑकरेंस है विच वी वॉन्ट दैट इज 6, तो 6/36 इज 1/6, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी, 735 को डिवाइड किया गया था बिटवीन ए बी एंड सी, इफ ईच ऑफ देम रिसीव्ड 25 लेस देयर शेयर वुड हैव बीन इन द रेशियो 1:3:2, ठीक है। द मनी रिसीव्ड बाय सी वॉज, ठीक है, तो मान लीजिए कि 735 अमाउंट रुपीज है वो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम हैज रिसीव्ड 25 लेस, ठीक है, तो इसी को कंसिडर करते हुए चलते हैं कि मान लीजिए ए के पास जितना पैसा था उसको घटा दिए तो उससे 25 माइनस कर दिए, ए के पास जितने भी पैसे ए को मिले उससे 25 माइनस कर दिए एंड कंसिडर इट एज वाई। तो ए के पास वाई है, बी के पास 3y हो जाएगा और सी के पास 2y हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट इक्वल टू 735 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25, ठीक है। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंसीडर कर रहे हैं कि ए को कितना मिला होगा, ए को मिला होगा वाई प्लस 25, द अमाउंट विच ए हैज गॉट इज वाई प्लस 25, द अमाउंट विच बी हैज गॉट इज 3y प्लस 25 एंड द अमाउंट विच सी हैज गॉट इज 2y प्लस 25, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मेंशन क्या हुआ, इफ ईच ऑफ देम हैज रिसीव्ड रुपीज 25 लेस देयर शेयर्स वुड हैव बीन इन द रेशियो 1:3:2, और अगर इन सबको सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 735 आना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बस इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा 6y = 660, y = 110,
तो y अगर 110 है तो देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया है। कभी कभी गलती क्या हो जाती है, कभी कभी गलती ये हो जाती है कि बस हमें हमने y सॉल्व किया, y मिला 110, इक्वेशन सॉल्व किया 110 और हमने बस इसी को टिक कर दिया ऑप्शन में देख के। बट नहीं, व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आपको लास्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। मनी रिसीव्ड बाय सी, सी को कितना मिला, तो सी का शेयर क्या था, सी का शेयर था 2y + 25। सी को एक्चुअली इतने पैसे मिले, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सी को इतने मिले 2y + 25। देन वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, सी का 2y + 25 दैट इज 245। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। अगर ऑप्शन में 1110 रहे तो बस उस पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, द प्राइस ऑन टिकट आल्सो इंक्रीज्ड बाय 12%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड। ठीक, देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो बस सिंपली अज्यूम कर लेना है 100, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि पहले ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स थी, पहले ऑडिटोरियम में सीट्स थी कितनी, 100, ठीक है, पहले ऑडिटोरियम में 100 सीट्स थी और पहले एक टिकट का प्राइस भी कितना था, पहले टिकट का प्राइस कितना था उसे भी मान लेते हैं 100, ठीक है, ओके। तो रेवेन्यू कितना कैलकुलेट होता था, रेवेन्यू कैलकुलेट होता था 100 × 1000, 100 × 100 दैट इज 10,000 रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हुआ है, अब जो है वो जो सीट्स है उसके दाम 25% बढ़ गया है, मतलब सीट्स के दाम कितने बढ़ गया, ₹125, एंड प्राइस ऑन टिकट हैज इंक्रीज्ड बाय 12%, मतलब प्राइस ऑफ टिकट इज ₹112, ठीक है। तो अभी रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, राइट, रेवेन्यू मतलब कितना पैसा मिलेगा, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ सीट इंटू प्राइस, ठीक है। तो 125 × 112 अगर आप करेंगे तो व्हाट विल बी आवर द आंसर विल बी दिस वन, ठीक है, 14,000। तो अभी कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, अभी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है इतना, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड, द रेवेन्यू हैज इनफैक्ट इंक्रीज टू 40%, कैसे 40%, 14,000 माइनस जो प्रीवियस था दिस वन एंड देन द प्रीवियस वन, एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सी, देन बाय व्हाट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सी, ठीक है, ओके। इसमें भी देखिए कभी कभी क्या होता है कि 100 अज्यूम करने से बहुत आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। तो लास्ट से चलेंगे कि बी इनकम इज 20% मोर देन सी, तो चलिए सी का ही हम इनकम कंसिडर कर लेते हैं, ₹100, सी का इनकम है 100, ठीक है, राइट। देन बी इनकम इज 20% मोर देन सी, तो बी का इनकम क्या हो जाएगा, बी का इनकम सी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, मतलब इसमें हम लोग 20% एड कर देंगे तो हो जाएगा ₹120, ठीक है। अब देखिए, और ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा ₹120 + 25% ऑफ ₹120, ठीक है, 25% ऑफ 120 विच इज इक्वल टू ₹150, ठीक है, 25% ऑफ 120 क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, ₹140 विल बी ए का इनकम क्या हो गया, ₹140, ठीक है। अब देखिए, बाय व्हाट परसेंटेज इज इनकम मोर देन सी, तो ए का इनकम सी के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो सी का अगर 100 है तो ए का कितना है, 150 है, दैट मीन्स 50% ज्यादा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला से देखना है तो जो जिसका हमें कैलकुलेट करना है, ए का -100, ठीक है, बाय 100, यही वाला, ठीक है। तो बाय मतलब सी का इनकम दैट इज 100 दैट इज इक्वल टू 50%, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, 50%, क्लियर, ओके, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एरिया
एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 242 स्क्वायर मीटर. ओके, हाउ लॉन्ग विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली एट द रेट ऑफ 6.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके, देखिए तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर. ठीक है, और डायगोनल का लेंथ क्या होता है, डायगोनल का लेंथ होता है √2 √2a. ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हमें एरिया पता है, एरिया पता है तो सबसे पहले स्पीड पता है तो डायगोनल का लेंथ निकालेंगे. तो डायगोनल का क्या हो जाएगा, √2 × डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, √2 × जो एरिया है उसको भी हमें स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट. तो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 24200. ठीक है, तो अब इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए, तो सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हाँ, तो वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 48400. ठीक है, विच इज 220 मीटर. तो हमें डायगनल मिल गया, लेंथ ऑफ डायगनल इज 220 मीटर. ठीक है, अब क्या होता है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 220 मीटर, 220 मीटर, एंड बाय, एंड स्पीड कितना है, 6.6 किलोमीटर पर आवर. तो 6.6 किलोमीटर पर आवर को हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. तो 6.6 × 5/18, तो 18 को हम लोग ऊपर कर देंगे. ठीक है, मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया. तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल गेट 120. वी विल गेट 120 सेकंड्स एज आंसर, एंड 120 सेकंड इज मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया है इनटू 5/18 करके. ठीक है, तो 120 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 2 मीटर, 2 मिनट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी, 2 मिनट. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1997 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है. ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम डेस्टिनेशन एंड टेक द सेम रूट. ठीक, ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया. ठीक है, ए स्टार्ट किया एंड फ्रॉम द सेम डेस्टिनेशन, चल लेट्स कंसिडर वहीं पर ही है बी, बस बगल में. ठीक है, एंड टेक द सेम रूट. A starts at 8 a.m. A has starts at 8 a.m. and drives at a speed of 40 km per hour. 40 km per hour. B starts at 9 a.m. B start कर रहा है 9 a.m. पे and drives at the speed of 50 km per hour. 50 km per hour. ठीक है? तो if the destination is 350 km away from starting point, तो ये जो destination है ये 350 km है. Then how far A will be from the destination when B reaches there? तो B जब destination पे पहुंच जाता है तो A कितना पीछे रह जाता है. तो देखिए, B का ये simple कभी थोड़ा सा देख के भी कभी कभी करना पड़ता है कि जल्दी सॉल्व हो. तो 50 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर. In 1 hour he is traveling 50 किलोमीटर. तो in 7 hours B will reach the destination. If this is the destination, in 7 hours we will reach the destination. तो 9 a.m. के बाद 7 hours कितना होगा? 9 a.m. के बाद 7 hours हो जाएगा 4 p.m. तो 4 बजे शाम को B यहाँ already पहुंच चुका होगा. ठीक है? अब देखिए A को तो A started at 8 a.m. A जो है वो 8 बजे सुबह शुरू किया था. And then 4 p.m. will be 8 hours for him. 8 hours. अगर 4 बज जाते हैं तो 4 बजे तक कितने घंटे हुए, ए के लिए 8 आवर्स हुए. ठीक है, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक 8 आवर्स. तो फॉर ए वी हैव टाइम इज इक्वल टू 8 आवर. ठीक है, और स्पीड कितना है, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. तो देखते हैं कि ए शाम को 4 बजे तक कहां पहुंचा है. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम. 40 × 8 इज इक्वल टू 320 किलोमीटर. मतलब ए जो है वो शाम के 4 बजे 320 किलोमीटर ही पहुंचा है. उसे टारगेट तक पहुंचने के लिए
30 किलोमीटर्स अभी भी बाकी है, 30 किलोमीटर अभी भी ए को बाकी है टारगेट मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ए इज 30 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन व्हेन बी रीचेस द डेस्टिनेशन। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 22 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स बैक। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली इफ दे हैव अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक, तो ऐसा करते हैं, प्रेजेंट एज को पहले कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड बी एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ बी वाई। ठीक है, प्रेजेंट एज ही हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 22 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स बैक। तो 5 ईयर्स बैक हस्बैंड का एज क्या होगा, एक्स माइनस फाइव, और वाइफ का एज होगा वाई माइनस फाइव। अब इनका एवरेज ले लेते हैं, इनका एवरेज ले लेंगे तो वी आर गिवन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हम लोग, हाँ ठीक है, तो फिर इससे हम लोग बस सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई हमें मिल जाएगा क्या, इससे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई विल बी 44 प्लस 10 विच इज 54। ठीक है, तो वी नो दैट एक्स प्लस वाई इज 54। अब ये मतलब प्रेजेंट एज जो हस्बैंड और वाइफ की जो प्रेजेंट एज है उसको ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, अब उनके पास क्या है, 3 ईयर ओल्ड है, तो 3 ईयर ओल्ड है, तो मान लीजिए एवरेज एज निकालना है, तो एवरेज एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3/3। वी वॉन्ट दिस, ठीक है, हमें ये डेटा चाहिए, दिस विल बी आवर आंसर। तो एक्स प्लस वाई हमें पता है क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, 54 है, तो 54 प्लस 3/3 विल बी आवर आंसर, एंड 57/3 इज इक्वल टू 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 ईयर्स, राइट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 2 आवर्स। ठीक है, कोई एक पाइप है जो टैंक को फिल कर रहा है कितने देर में, 2 घंटे में। फिर ऑन अकाउंट ऑफ अ लीक इट टेक्स पाइप ए 30 मोर मिनट्स टू फिल द टैंक। एक लीक भी है, तो देखिए ये जो पाइप है वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, ठीक है, और ये जो लीक है वो नेगेटिव वर्क कर रही है। ठीक है, आप बस ये ध्यान में रखिए, ओके। अब देखिए, तो पाइप जो है वो 2 घंटे में काम फिनिश कर दे रहा है, मतलब कि वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर इज 1/2। चलिए एक बार हम इसके थ्रू देखते हैं, वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर इज 1/2। ठीक है, राइट, उसके बाद अज्यूम वाई आवर इज द टाइम टू लीक द टैंक एम्प्टी। ठीक है, मान लीजिए कि इतने देर में, ठीक है, कितने देर में, जो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल द लीक टेक टू एम्प्टी अ टैंक फुल इफ पाइप ए इज शट। अगर पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगेगा, इनफैक्ट दैट इज द वर्क ऑफ लीक, राइट, दैट इज द वर्क ऑफ लीक, वही लीक ही खाली कर देगी टैंक को। तो वाई आवर इज द टाइम टू क्लियर द टैंक एम्प्टी। ठीक है, तो वर्क डन बाय लीक इन 1 आवर विल बी 1/y। ठीक है, अगर लीक अकेले वाई आवर्स में टैंक को खाली कर देती है और वही वाई हमें निकालना है, तो 1 घंटे में जो लीक है वो कितना काम करेगी, 1 घंटे में लीक 1/y काम करेगी। तो 1/2 माइनस 1/y, दिस विल बी द वर्क इन 1 आवर, दिस विल बी द वर्क इन 1 आवर। ठीक है, तो टुगेदर इट टेक्स 2.5 आवर्स टू फिल द टैंक, टुगेदर इट टेक्स 2.5 आवर्स टू फिल द टैंक। दैट मीन्स कि ये टोटल है, तो इतना काम 1 घंटे में होता है, तो इतना काम 1 घंटे में होता है, और 1 घंटे में एक्चुअली कितना काम हो रहा है, 1/2.5 काम हो रहा है। ठीक है, राइट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 1/2 पॉजिटिव वर्क माइनस 1/y, क्योंकि टैंक फिल भी हो रहा है और लीक खाली भी कर रही है उसको, तो इतना काम हो रहा है, तो इतना काम 1 घंटे में हो रहा है, और इतना काम अगर 2.5 आवर्स तक होता रहे तो टोटल काम हमारा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू सॉल्व y विद दिस इक्वेशन, और y हमें क्या मिल जाएगा, देखिए वी विल गो ऑन सॉल्विंग इट एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू 10 आवर्स, मतलब वो जो लीक है वो 10 आवर्स में टैंक को खाली कर देगी, और वो जो पाइप है वो 2 आवर्स में टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, क्लियर, ओके, पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है, 610 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है कितने देर में, इन 9 आवर्स, ही ट्रेवल द फर्स्ट फेज ऑफ एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टोटल था 610 किलोमीटर जिसको उसने 9 आवर्स में कंप्लीट किया, ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हम कंसिडर करते हैं कि वो एक्स किलोमीटर ट्रेवल किया एट ए स्पीड ऑफ 40 और उसके बाद का जो ये डिस्टेंस था उसको कवर किया उसने एट द स्पीड ऑफ 90, ठीक है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, तो डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल किया फर्स्ट फेज में, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है क्या कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो पहले फेज के लिए वी हैव डिस्टेंस x एंड स्पीड 40 प्लस दूसरे फेज के लिए वी हैव डिस्टेंस 610 माइनस x एंड स्पीड 90, ठीक है, और टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम हमें पता है कि टोटल टाइम है 9 आवर्स, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 160 किलोमीटर, ठीक है, राइट, तो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर सी 160 किलोमीटर, ठीक है, आपको बस विजुअलाइज करना है थोड़ा और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% इन मैथमेटिक्स एंड 17% इन बोथ, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि इतने बच्चे थे टोटल और 52% इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है, ओके, और उसके बाद 42% मैथ्स में फेल हो गए, ठीक है, और 17% दोनों में फेल हो गए जो कि ये वाला एरिया है, ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया ब्लैंक वाला, तो देखिए क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, सोचना ये है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, या वन सेकेंड, तो हमें क्या करना होगा, देखिए कि कितने लोग फेल हो गए वो निकालना होगा, तो 52 प्लस 42 माइनस 17 इतने लोग एक्चुअल में फेल हुए हैं या तो एक सब्जेक्ट में या तो 2% सब्जेक्ट में, 52% हमने यहां एक बार कवर कर लिया, 42% हमने ये एरिया कवर कर लिया, और ये एरिया क्योंकि दो बार कवर हो गया है इसीलिए हमें -17 करना पड़ेगा, तो इतने लोग जो है इतने लोग एक्चुअली में फेल हुए हैं या तो एक सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 52 प्लस 42 माइनस 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 77, ठीक, तो 77% जो है वो या तो एक में फेल हुए हैं या तो दो में फेल हुए हैं, तो जो लोग पास में होंगे वो क्या हो जाएंगे, 100 माइनस 77 मतलब जो 23% लोग होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है, 23% ये ब्लैंक वाला एरिया हो जाएगा, ठीक, और वो लोग दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनेगा ये, राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल 25 स्पीक्स इंग्लिश एंड 20 स्पीक्स बोथ इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सी ट्वेंटी फाइव स्पीक इंग्लिश एंड 20 स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, इसमें तो 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश और ये हिंदी स्पीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वाला ये है 20, ये कितना है, ये है 20, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, एंड 25 स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एक्चुअली कितने लोग बोलते हैं, 25 बोलते हैं, तो 20 इसी में ही कन्वर्ट हो गया, मतलब ये एरिया क्या बचा, 5 बचा, ठीक है,
और उसके बाद ये एरिया 5 हो गया, ये एरिया 20 हो गया, ठीक है। दिस एरिया, दिस कवर्ड एरिया इज 20, तो टोटल 40 लोग थे, तो बचे कितने, बचे 15 लोग, तो बचे 15 लोग जो कि ओनली हिंदी एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, ठीक है। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। टोटल इतने ही लोग हैं, इतने और इतने, ठीक है, जिसमें कि जो 20 लोग हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो जो ओवरलैपिंग है उसमें 20 आ जाएगा, और जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें 5 इधर आ जाएगा जो कि इंग्लिश बोलते हैं, तो बचे कितने, बचे 15 लोग। 40 माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 15, राइट। नेक्स्ट, अ मैन परचेजेस 2 पेंस फॉर 740, ओके, एंड he sells one at a profit of 12% and other at a loss of 8%. He neither gains nor loses. Find the cost price of each pen. ठीक है, तो देखिए, तो cost price of each pen, एक कप, एक पेन का दाम ले लेते हैं x और एक पेन का दाम लेते हैं 740 माइनस x, ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये x को उसने 12% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 12% प्रॉफिट पे सेल किया, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एक्स का, एक्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.12x, लिख सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस। ये कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि एक्स विच इज एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स, एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स को हम लोग 1.12x लिख सकते हैं, और इसी तरह सेलिंग प्राइस दूसरे पेन का कितना है, 8% लॉस, तो 8% लॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, यस 0.92 of 740 minus x, ऐसा लिख सकते हैं, which is what, which is 740 minus x जो है, ठीक है, इसका इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे लॉस हो रहा है 8%, इससे 8% लॉस हो रहा है, तो माइनस 8/100 ऑफ 740 minus x, तो इतना नहीं लिखना है डायरेक्टली, इसी चीज को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.92 into 740 minus x, ठीक है। तो we have got selling price which is this one and which is this one, तो sum of this selling price इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू 740, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हमारे पास नाइदर ही गेन नाइदर लूजेस, तो x और 740 माइनस x इस प्राइस पे खरीदा और वो सेल किया है 1.12x पे एंड 0.92 इनटू 740 माइनस x पे एंड दिस इज इक्वल टू 740 एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन राइट यू विल गेट द आंसर एज 296 एंड 444 राइट x का वैल्यू आपको ये मिलेगा ठीक है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अ मर्चेंट बाइज 30 केजी ऑफ राइस एट 40 रुपीज पर केजी एंड 20 केजी ऑफ राइस इज 30 रुपीज पर केजी ठीक है तो 30 केजी ऑफ राइस ही परचेजेस एट 40 रुपीज पर केजी मतलब जो टोटल कितना उसे खर्च करना पड़ रहा है रुपीज 1200 ठीक है सिंपली 30 इंटू 40 और उसके बाद जो 20 केजी का राइस है उसके लिए से कितना खर्च करना पड़ रहा है रुपीज 30 केजी इंटू 20 30 रुपीज पर केजी इंटू 20 केजी विच इज इक्वल टू रुपीज 600 ठीक है तो टोटल हाउ मच मनी ही है स्पेंड रुपीज 1800 ठीक है अब देखिए ही मिक्सेस देम एंड सेल्स हाफ ऑफ द मिक्सचर एज 36 रुपीज पर केजी तो उसने क्या किया कि मिक्स कर दिया दोनों को तो मिक्स करने पे हमारे पास कितना है 50 केजी है तो 50 केजी में हमने 25 केजी को सेल किया है कितने में एट द रेट ऑफ 36 दैट इज 25 इंटू 36 विच इज 900 ठीक है ओके एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग मिक्सचर टू गेट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30% अब उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए 30% चाहिए तो मनी हाउ मच मनी हैज बिन स्पेंट इज रुपीज 1800 अब इसमें प्रॉफिट चाहिए 30% तो इसमें अगर हम लोग 30% और प्रॉफिट एड करेंगे तो क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ तो रुपीज 1800 प्लस 30% और ऐड करेंगे तो कितना होगा तो वी विल गेट 2340 ठीक है हमने ऑलरेडी कितना स्पेंड कर दिया है हमने 900 रुपीज स्पेंड कर दिया है
ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1400। तो हमें जितने भी पैसे जितने भी चावल कितने बचे हैं, 25 किलो चावल बचे हैं। हम लोग कैसे सेल करेंगे, तो वी विल सेल इट एट 1440 बाय 25 इज इक्वल टू 57.6। तो 57.6 रुपीस पर केजी हम लोग बाकी बचे हुए चावल को सेल करेंगे। ठीक है, राइट, क्लियर। मैं एक बार फिर से बता दूं, 30 केजी के लिए हमने मर्चेंट बॉयज 30 केजी ऑफ राइस एट रुपीज 40 पर केजी, एंड देन 20 केजी ऑफ राइस एट रुपीज 30 पर केजी। तो टोटल 50 केजी ऑफ राइस वी हैव एंड कॉस्ट प्राइस इज दिस वन। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस फॉर आफ्टर 30% प्रॉफिट विल बी 2340। तो दिस शुड बी द सेलिंग प्राइस, मतलब दिस शुड बी द टोटल मनी विच वी गेट आफ्टर सेलिंग द राइस, दिस इज द अमाउंट विच वी शुड बी गेटिंग। तो हमने 25 केजी को ऑलरेडी 36 रुपीज पर केजी में बेच दिया था, तो 900 रुपीज वी हैव ऑलरेडी गॉट। तो 900 रुपीज तो हमें मिल गए हैं, बट वी वॉन्ट इन फैक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। So this much amount of profit with our 25 kg rice which is left. So hum ise kis price pe sell karenge? Is price pe sell karenge. Theek hai? Next question number 17. Neeru's expenditure and savings are in the ratio 3:2. Theek hai? Her income increases by 10% and expenditure increases by 12%. Theek hai? Dekhiye, sabse pehle kya hua tha? Ki Neeru ka expenditure and savings were in the ratio 3:2. To dekhiye, suppose ki Neeru ke paas 100 rupees the. Theek hai? एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो 3:2 का रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर 60 रुपीज हो गए और सेविंग्स 40 रुपीज हो गए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई नहीं। फिर हर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, तो उसका इंक्रीज, उसका जो इनकम था वो 10% इंक्रीज हो गया, मतलब कि 110 रुपए हो गया, राइट। एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 12%, तो एक्सपेंडिचर वो है जो 12% बढ़ गया, तो 60 प्लस 12% of 60, which will, and this will be equal to 67.2, ठीक है, 67.2, तो फिर savings कितना होगा उसका, savings होगा, this savings will be equal to 110 minus 67.2, तो 110 minus 67.2 is 42.8, savings अभी कितना है, now the savings is 42.8, by what percent does her savings increase, savings कितने percent से increase हुआ है, तो पहले 40 था अब 42.8 है, मतलब इंक्रीज कितना है हुआ है, 2.8 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, और पहले कितना था, 40 था, जो पहले रहता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इनटू 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7%। पहले 2.8 था, सॉरी 2.8 रुपीज की प्रॉफिट का इंक्रीमेंट हुआ है, 2.8 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है बाय 40 × 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7%। ठीक है, क्लियर, ओके। ये 2.8 की जगह आप 42.8 माइनस 40 बाय 40, ठीक है, इससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से 2.8 आया इंटू 100 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ओके, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रेन हुज लेंथ इज 320 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ पोल, ठीक है, एक पोल को पास करने में से कितना टाइम लगेगा, ठीक, तो राइट, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, हमारे पास डिस्टेंस है 320 मीटर, एक पोल से ट्रेन को पास करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उस पोल से पास क्या हो रहा है, उस पोल से ट्रेन की लेंथ पास हो रही है, तो डिस्टेंस हो गया टाइम, हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस हो गया 320 मीटर, तो 320 मीटर एंड बाय स्पीड, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, कट गया एंड आंसर विल बी 32 सेकेंड, सिंपल, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये है इनफैक्ट दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा डेटा कॉन्टिन्यूअस है, तो जो कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा होता है वो क्या होता है, दैट डेटा कैन हैव एनी वैल्यू, मतलब वो जो है वो उसकी वैल्यू न्यूमेरिक होल नंबर में नहीं होगी,
इधर 1, 2, 3 ऐसा नहीं होगा. कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डेटा कैन टेक एनी डेसिमल वैल्यूज, कोई सा भी डेसिमल वैल्यू हो सकता है इसमें, ठीक है. हर तरह की वैल्यू अकोमोडेट कर सकता है, 1.5, 2.5, 2.3, एनीथिंग, ठीक है, 2.3 टू 5 टू 7 ऐसा भी, ठीक है. तो नंबर ऑफ लैंग्वेज अ पर्सन स्पीक, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 होल नंबर ही होगा, यहाँ पे हमारे पास होल नंबर ही आएगा, ये नहीं होगा. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 1, 2 और 3 ही हो सकते हैं, हम उसे 1.2 बच्चे तो नहीं कह सकते, तो ये भी नहीं होगा. पॉपुलेशन इन सिटीज, पॉपुलेशन इन सिटीज को भी हम 10,000, 12,000 ऐसा बता सकते हैं, फिर लेकिन 12,000.12 ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट. इसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, यस, इस डेटा को हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अली बाइज अ ग्लास, अ पेंसिल एंड अ कप एंड पेज रुपीज 21 टू द शॉपकीपर, ठीक है. क्या क्या कर रहा है अली, सपोज ग्लास का कॉस्ट प्राइस कितना है, जी है, और उसके बाद एक ग्लास है, एक पेंसिल बॉक्स है और एक कप है, और उसके लिए वो पे कर रहा है 21, ठीक है. उसके बाद राकेश बाइज अ कप, राकेश भी क्या परचेज कर रहा है, एक कप, टू पेंसिल बॉक्स और एक ग्लास और एंड ही इज पेइंग 28. तो हमें यही से पता चल रहा है कि ये जो पेंसिल बॉक्स है उसका प्राइस कितना है, 7 है. पेंसिल बॉक्स का प्राइस 7 है, हमें ये पता चल गया. अब उसके बाद देखिए, प्रीति बाइज टू ग्लासेस एंड वन कप एंड टू पेंसिल बॉक्सेस. तो वन कप एंड टू पेंसिल बॉक्सेस, और वो प्राइस कितना पे करी है, 35. तो यहां से हमें पता चल रहा है, देखिए ये भी सेम है, बस यहाँ पे एक ग्लास इंक्रीज हुआ है, तो डिजिट कितना इंक्रीज हो गया, 7, ठीक है. तो ग्लास का भी जो प्राइस है वो कितना है, वो भी 7 है, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स विल बी, अब देखिए, अब कप्स का प्राइस निकालना है, तो इफ यू विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है, 7 प्लस 7, तो यहाँ पे कप का भी दाम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. कप की प्राइस भी कितनी होगी, 7 होगी. तो द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स विल बी ₹70, ठीक है, इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टू रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, और यहाँ पर एक कर लेते हैं सिटी सी. तो दो रेलवे टिकट है और ए टू बी का दाम है सपोज एक्स, और ए टू सी का दाम है सपोज वाई, ठीक है. टू रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कॉस्ट रुपीज 117, ठीक है. व्हाट द इक्वेशन वी आर हैविंग, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 177, क्लियर. एंड देन थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू बी मतलब 3x प्लस 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी 2y इज इक्वल टू 173. तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, बस हमें मिल जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. द फेयर फ्रॉम सिटी बी टू ए का, तो जो फेयर होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स. तो जब ऐसा इक्वेशन रहे, तो जब जैसे कि यहाँ पर एक ट्रिक है कि अपोजिट वैल्यूज अगर सेम रहे, थ्री है, ठीक है, कि वाई का जो के पहले जो नंबर है और एक्स के पहले के जो नंबर है वो अगर सेम रहे, तो हमें एक बार इक्वेशन को इससे माइनस करना है और एक बार इक्वेशन को प्लस करना है, ठीक है. जैसे देखिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से एक बार हम लोग माइनस करेंगे, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भी एक बार हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है. वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1. तो वी विल गेट इन द एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है. और उसके बाद वी विल गेट इन द सेकेंड केस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो इस तरीके से वी विल गेट वाई इज इक्वल टू 37 एंड देन एक्स इज इक्वल टू 33. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. और ये ट्रिक भी याद रखिए, आपको पूरा लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. हमने से इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट, ठीक है. तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अ पर्सन स्टार्ट्स 10 मीटर इन फ्रंट, 10 मीटर स्ट्रेट गया एंड 10 मीटर टू द राइट, तो राइट 10 मीटर, ठीक है, 10 एंड देन 10,
एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 and 15 meters एंड ही इज स्टैंडिंग हियर ही इज टर्निंग लेफ्ट यहाँ पर हो गया ठीक है 5 meters एंड देन ही इज अगेन टर्निंग लेफ्ट एंड गोइंग टू 15 meters ठीक है और उसके बाद फिर अगेन ही इज टर्निंग लेफ्ट एंड गोइंग टू 15 meters ठीक है ओके राइट ये डायग्राम आपका सही बनना चाहिए लेफ्ट और राइट में गलती नहीं करनी है ठीक हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था अभी वो यहाँ पर है अभी वो यहाँ पर है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 5 meters क्लियर ओके फिर से बता देते हैं अ पर्सन वॉक्स 10 meters इन फ्रंट 10 meters इन फ्रंट 10 meters टू द राइट और उसके बाद वो लेफ्ट ले रहा है तो लेफ्ट इधर 5 देन यहाँ पे अगर खड़े हैं तो लेफ्ट यहाँ पर होगा वी आर स्टैंडिंग हियर लेफ्ट विल बी हियर एंड सो द डिस्टेंस विल बी 5 meters 5 meters कैसे हुआ क्योंकि 10 यहाँ पर है और यहाँ पर 15 है तो यहाँ पे ये पक्का 10 ही होगा ये बचा हुआ पार्ट है 5 और वही पार्ट यहाँ पर ही होगा तो 5 हो जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट 23 अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 kilometers फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स हिज हाउस रियलाइज दैट ही हैज ट्रेवल्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन डायरेक्शन का क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्या करना है कंपास ड्रॉ करना है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो भी बताया गया है क्वेश्चन में बस आपको ड्रॉ करते चले जाना है तो अमित आफ्टर ट्रेवलिंग 6 kilometers ईस्ट यहाँ से स्टार्ट किया 6 kilometers ईस्ट उसने रियलाइज किया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है ही टर्न्ड एंड ट्रेवल्ड 12 kilometers टुवर्ड वेस्ट यहाँ से वो टर्न लेता है और 12 kilometers जाता है 12 kilometers टुवर्ड्स वेस्ट यहाँ पे मतलब 6 kilometers सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट से 6 kilometers वेस्ट क्या है ही टर्न्ड एंड ट्रेवल्ड 12 kilometers टुवर्ड्स वेस्ट टर्न्ड राइट इसके बाद वो क्या किया इसके बाद वो राइट टर्न लिया तो राइट टर्न किधर हो जाएगा इधर राइट टर्न इधर लिया और 8 kilometers गया और ऑफिस पहुंच गया ठीक है द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस तो ऑफिस का इसके घर से कितना डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा तो 6² + 8² इज इक्वल टू सपोज ये अगर डिस्टेंस एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है तो 6² इज हाउ मच 36 + 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 एंड आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर डी विच इज 10 kilometers सिंपल अब देखिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ठीक है ये भी दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ठीक देखिए इसमें क्या है थोड़ा सा ट्रिक है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है इन सब में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट सीरीज क्या होगा तो आप देखिए पहला लेटर बी सी डी प्लस वन है ठीक है डी ई एफ प्लस वन है फिर एफ जी एच प्लस वन है तो एच आई जे द नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जे ठीक है उसी तरह अगर आप यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे तो ई एफ जी एच प्लस टू है यहाँ पे भी प्लस टू है यहाँ पे भी प्लस टू है तो एन ओ पी क्यू द नंबर विल एंड फ्रॉम क्यू ठीक है तो हमें आंसर ये तो पता चल रहा है कि चलो ये हो जाएगा लेकिन ये नंबरिक ये जो न्यूमेरिक डिजिट है इससे भी हमें आंसर मिल जा रहा है पॉइंट नंबर डी लेकिन न्यूमेरिक डिजिट है उसका सीरीज क्या है 2, 5, 12, 27 ठीक है तो इसमें आगे क्या होगा ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो देखिए एक्चुअली व्हाट इट विल बी 1² + 1 क्योंकि देखिए आप डिफरेंस देखिए जो डिफरेंस है थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 7 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 15 तो डिफरेंस जब इस तरह से ज्यादा इंक्रीज होता है दैट मींस स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है स्क्वायर रूट अगर लगाते हैं तो इट इज 1² + 1 ठीक है एंड दिस इज 2² + 1 ठीक है दिस इज और दिस इज 5 × 2 + 1 या फिर 2² को यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते 2 × 2 जो पहला नंबर था उसी को 2 × 2 + 1 ऐसे लिखेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा अब ये जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5 × 2 + 2 ठीक है फिर ये जो नंबर है ये है 27 जो है वो है 12 × 2 + 3 तो जो प्रीवियस नंबर है इंटू टू कर रहे हैं और +1 + 2 + 3 करते जा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 27 × 2 + यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया +4 ठीक है तो क्या हो जाएगा 54 + 4 = 58 तो बस हमारा आंसर वही है J58Q पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. अ पार्टी वॉज हेल्ड इन विच अ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, फोर सन्स, वाइफ एंड वन सन एंड टू डॉटर, टू ईच ऑफ द सन्स वर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट इन द पार्टी. तो फीमेल्स कितने प्रेजेंट है, एक बार फैमिली ट्री बनाते हैं. ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है, उसके बाद सन है, वाइफ है, सन वाइफ एंड देन सन वाइफ, सन और उसकी वाइफ, ठीक है. और फिर उन सबकी दो दो डॉटर है, उन सबकी दो दो डॉटर है, ठीक है. तो नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट इन द पार्टी, तो फीमेल्स कितने प्रेजेंट है, यहां से वी हैव एट, ठीक है, एट एंड देन हेयर वी हैव फोर एंड देन हेयर वी हैव वन एंड हेयर वी हैव वन, तो 8, 12, 13, 14, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14. सिंपल, ओके. बस आपको पढ़ना अच्छे से है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पैनिक नहीं होना है, क्लियरली दिखना चाहिए आपको, तो आप सही आंसर कर लेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. वन डे प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले बस कंपास, ठीक, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है. उसके बाद टर्न राइट वॉक द 5 किलोमीटर, वॉक 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर वो राइट टर्न लिया तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एंड वॉक द 10 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद एंड टर्न लेफ्ट, फिर यहाँ पे था लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक द 10 किलोमीटर, ठीक है, एंड वॉक द 10 किलोमीटर. अब उसके बाद है हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच टू हिज होम, तो उसके घर पहुंचने के लिए से कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा. तो यहाँ पर है उसका घर, यहाँ पर है, तो 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो टोटल 15 किलोमीटर, ठीक है. दिस विल बी आवर आंसर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल. कभी कभी क्या होता है, इसमें तो मैंने बताया था कि आप लेवल बनाओ तो भी आपको पता चलेगा, नहीं तो एक सिंपल सा ट्रिक है, अपने किसी फैमिली मेंबर ने इस चीज को विजुअलाइज कीजिए, तुरंत पता चल जाता है उसे, ठीक है. अब देखिए, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, तो फादर ऑफ हर अंकल विल बी ग्रैंड फादर, लड़की के दादा है ये, फादर ऑफ हर अंकल, तो ये फ्रेज को हटा करके हम ग्रैंड फादर लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर. तो अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की जो डॉटर होगी, ग्रैंड फादर की जो डॉटर होगी उसको क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, फुआ बोलेंगे, राइट. तो द बॉय इज द सन ऑफ फुआ, बॉय इज द सन ऑफ फुआ, वो फुआ का बेटा है, ठीक है. डॉटर ऑफ ग्रैंड फादर, तो डॉटर ऑफ ग्रैंड फादर को भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंपली वी कैन कॉल इट एज फुआ, ठीक है. तो अ गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय एज द सन ऑफ फुआ, तो फुआ का बेटा है, तो एक्चुअली में वो क्या है, वो उसका, द बॉय इज रिलेटेड टू द गर्ल एज ब्रदर, अगर फुआ का बेटा है तो वो आपका भाई ही हुआ, राइट, ओके. या सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. 40% ऑफ पीपल, 40% ऑफ पीपल रीड न्यूज पेपर एक्स, 50% रीड न्यूज पेपर वाई, ठीक है. 10% रीड बोथ द पेपर, तो 10% यहाँ पर हो गया, ठीक, एक्स के वाले के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, वाई के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एक्स में देखिए 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज पेपर एक्स, तो 40% में 10% हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो बचा कितना, बचा 30%, ठीक. और उसके बाद 50% में 10% हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो बचा 40% हम लोग लिख सकते हैं ऐसा. देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल रीड नाइदर ऑफ द टू न्यूज़पेपर, तो 40, 50, 60, 70 + 80, मतलब 80% ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर, जिसमें कि 40% सिर्फ इंग्लिश पढ़ते, सिर्फ वाई पढ़ते हैं, 10% एक्स और वाई दोनों पढ़ते हैं, और 30% सिर्फ एक्स पढ़ते हैं. इस तरह से 80% ऑफ द जनता रीड न्यूज़पेपर, तो 20% ऑफ द पीपल डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, ओके, नो कंफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. अ पर्सन परफॉर्म्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस एंड रेस्ट 5 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा, ठीक है. तो देखिए, तो अगर तो हाफ बाय ट्रेन, ठीक, एंड 1/3 बाय बस एंड रेस्ट 5 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा फाइंड हिज टोटल जर्नी.
हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 + 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा है, ठीक है। तो या 1 सेकेंड, वन माइनस 1/2 एंड one third by bus, right? तो प्लस 1/3, तो इतनी जर्नी वो ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो बचा कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, बचा कितना 5 किलोमीटर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, या हाँ देखिए, सपोज टोटल जर्नी उसकी कितनी थी, x थी, टोटल डिस्टेंस था x, ठीक है, तो उसने x बाय 2 को ट्रेन से कवर किया एंड 1/3 बाय बस, तो x बाय 3 को बस से कवर किया, और उसके बाद बचा कितना, बचा उसके पास 5 किलोमीटर, तो x माइनस दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है, ओके, राइट। टोटल डिस्टेंस x था, उसमें उसने हाफ जर्नी बाय ट्रेन कवर की, 1/3 बाय बस कवर की, तो बचा कितना 5 किलोमीटर। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट x as, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x as x इज इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ एक्सेस 30 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये इक्वेशन निकालना पता होना चाहिए और बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। टोटल से हमने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो बचा कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, वी विल गेट एक्सेस 30, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20% above cost price, he then allows some discount on it and makes a profit of 8%. The rate of discount is, ठीक, suppose cost price is 100, उसने कितने में खरीदा है, उसने 100 रुपए में खुद परचेज किया है, ठीक है, और उसके बाद he marks his goods 20% over above cost price, तो उसने cost, तो marked price कितना है, marked price है 20% above, तो marked price है 120, मतलब एमआरपी है M120, उसने 100 रुपए में खरीदा है, एमआरपी का टैग लगाया 120, और उसके बाद कह रहा है कि X% डिस्काउंट है और एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो X% डिस्काउंट के बाद जो कस्टमर को वो दे रहा है वो 108 रुपए में दे रहा है कस्टमर को, मतलब सेलिंग प्राइसेस 8 रुपीज, आफ्टर X% डिस्काउंट सेलिंग प्राइसेस 108 रुपीज, तभी तो उसे 8 रुपए का फायदा हो रहा है, तभी तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। He is making a profit of 8 rupees, that means selling price is 100 plus 8, that is 108. So, question kya ho jayega ki 120 rupees mein kitne percent ka discount lagega ki we will get 108 rupees. Yahi hamara question hai. So, 120 minus X percent of 120 will be equal to 108. Will be equal to 108. Right? Yahi ho jayega hamara answer. 120 माइनस x इंटू 120 बाय 100 विल बी इक्वल टू 108, एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने कितने परसेंट का डिस्काउंट लगाया, 10% का। ये आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है कि 120 रुपए की अगर एमआरपी है तो इसमें 10% डिस्काउंट होगा, 10% अगर डिस्काउंट होगा तो 120 माइनस 12 इज इक्वल टू 108, और 8 रुपए का फिर भी फायदा होगा डीलर को, ठीक है, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर, एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।